किसी भी तरह से कोई रिस्क इन चुनावों में नहीं लेना चाहती है। इसी के चलते वह हर समुदाय के पास जाकर खुद पहुंच रही है। इसी के चलते आज एक निजी होटल में गुना शहर के समस्त फूड और सब्जी विक्रेताओं का इकट्ठा कर उनकी परेशानियों से रूबरू होने के लिए पहुंचे मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट, जहां उन्होंने सब्जी और फल विक्रेताओं संघ से बात की एवं उनकी परेशानियां जानी। साथ ही उन्हें यह आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी परेशानियों से निजात दिला दिया जाएगा। इसके साथ ही बढ़ चढ़कर कांग्रेस को वोट देने की अपील भी की। इस मौके पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव योगेंद्र लुम्बा भी उपस्थित रहे। अब जरा आप लोग आगे आ जाओ, जरा हमारी फ्रूट सब्जी मंडी संघ की बैठक थी, जिसमें मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट थे और सारे थोक व्यापारी थे। उन्हों को हमने शहर की परेशानी से अवगत कराया, जिसमें सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक नो एंट्री लगाती हैं और चालान बनाती हैं समय समय पर। तो उन्होंने जो आश्वासन दिया, मंडी की भी प्रॉब्लम है, अभी विरोध चल रहा है शीतला माता पर और हम सिटी में आ चुके हैं, हम हमारी मंडी को हटाया जाए और शहर से दूर करा जाए। तो उन्होंने जो आश्वासन दिया कि लोकसभा के चुनाव के बाद प्रभारी मंत्री के साथ, कलेक्टर साहब के साथ और एसपी साहब के साथ हम आपकी चर्चा करेंगे। और अभी लोकसभा के बाद मेरा दूसरा, जब भी मैं आऊँगा आप सबके साथ में, मैं बुलाकर आपकी मीटिंग लेकर मैं इस कार्य को पूरा कराऊंगा। आपका जो मेरा विश्वास है और आपके लिए काम करूंगा बिल्कुल सदा।